आईपीएल 2023 के 61वें मुकाबले में भले ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया हो, लेकिन रविवार रात को चेपॉक स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के बाद क्रिकेट फैंस को एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब सीएसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मैदान का चक्कर लगाते हुए देखा गया। धोनी ने सीएसके टीम के तमाम खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर विशेष लैप ऑफ ऑनर में चेपॉक में मौजूद फैंस का अभिवादन किया। बता दें कि 4 बार की चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 के ग्रुप स्टेज पर अपना अंतिम घरेलू मैच खेला है। ऐसे में धोनी की तरफ से फैंस को दिया गया ये गेस्चर साफ तौर पर इशारा करता है कि ये धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन होगा। हालांकि धोनी ने अब तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वहीं धोनी और सीएसके के खिलाड़ी फैंस को गिफ्ट देने के लिए चेपॉक के मैदान का चक्कर लगाते नजर आए। धोनी समेत सीएसके के कुछ खिलाड़ियों के हाथों में रैकेट भी थी, जिससे वह टेनिस बॉल को फैंस की ओर फेंकते दिखे। फैंस की भीड़ के बीच सीएसके के खिलाड़ी टी शर्ट्स भी उछालते नजर आए। यह सच है कि धोनी एंड कंपनी और सीएसके फैंस दोनों के लिए यह एक भावुक पल था। वहीं अजिंक्य रहाणे हाथों में एक पोस्टर लिए दिखे, जिसमें चेन्नई के फैंस के लिए खास संदेश लिखा हुआ था। इस दौरान भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर धोनी की ओर दौड़े दौड़े आते दिखे और अपनी टी शर्ट पर उनका ऑटोग्राफ भी लिया। धोनी और गावस्कर को इस शानदार पल के बाद गले भी लगाते दिखे। इस दौरान पूरे स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ धोनी धोनी का शोर सुनाई दे रहा था। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।